Hey, what's up guys, welcome back to another video of Minecraft is world. This series jo hai wo aaj hum continue karne wale hain. To chaliye pehli cheez hum apna matlab ghar ko maine zara sa bada diya hai. Main bata deta hu maine kya kya kiya offline mein. Aur ye 52 oak log bhi maine collect kiya. Aur uske baad abhi maine mining mein bhi thoda improve ki hai. यह वो है कि नीचे जाके स्किन में कुछ भूल गया, वो लेके आता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको. और यहाँ हमारा खाना भी तैयार हो चुका है जो हमने पिछले एपिसोड में रखा था. हमें कैरी करना चाहिए 10 लॉक्स. चाहे तो इन्हें मार देते हैं पहले तो, क्योंकि दो है एक नहीं. और एक वहां है. अब हमें हमने और कुछ इनको मार लिया है. और एक है इधर. चलिए अभी माइनिंग को जाते हैं हम. चलिए मटन खा लेते हैं. चलिए हमने हमारी इधर से मैं आयरन ढूंढूंगा, मतलब वह सब समय. और ये हमें रेस्टोन मिल गया है. लैपिस भी मिल गया यहाँ. ये बहुत अच्छी लूट मिली हमें. ये पिकैक्स हमारे बस टूट के आया है. अगर आपको पता नहीं है तो 12 जो ये है नंबर, इस पे आपको ये मिलता है डायमंड. तो मैं क्या करूँगा अभी, मैं अपना ये वेस्ट नहीं करूँगा. दो नए स्टोन पिकैक्स बना लेता हूँ. अपना आयरन पिक एक साइड में हटा देता हूँ क्योंकि उससे हम डायमंड माइन करेंगे ना. किधर गया, हम आए किधर से थे? हाँ हम आए इधर से थे, तो अब इधर माइन करेंगे. माइनिंग से हमें बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेस मिलते हैं जो कि बड़ा ही अच्छा है. यहाँ मुझे आयरन मिल गया. हमें यहाँ 8 आयरन मिल गए, तो हम एक काम कर लेते हैं. पहले एक फर्नेस क्राफ्ट करके हम लोग इधर प्लेस करते हैं. एक चेस्ट भी बनाते हैं हमारे वैल्यूबल्स के लिए. इधर डाल दिया इसे फर्नेस के अंदर. अभी तो हमारे पास कोल नहीं है, इसलिए हम माइन करते रहेंगे जब तक कोल नहीं मिलता. रेडस्टोन को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मेरी मर्जी.
जो चीज करूँगा वो होगा सरफेस केप पे जाके मतलब कोल ढूंढना, क्योंकि कोल की हमारे पास कमी है थोड़ी। चलिए पहले कोल ढूंढते। और ये सिस्टम मैंने जो बनाया है वो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको क्या चढ़ना पड़ता, बस सीधे चढ़ना पड़ता है। इधर आसपास घूमते हैं, थोड़ा कॉबल ले लिया, कुछ नहीं जा रहा वैसे तो। ये क्या है, डोंकी। मैंने एक सरफेस केव कहीं तो देखा था, हाँ वो विलेज के पास देखा था मैंने, याद है। ये एक, ये तो क्या कहते हैं इसको, क्रैक। एक बहुत ही बड़ी रवीन है, हमें फाइनली थोड़ा कोल मिल गया, वरना हमारे पास कोल की सख्त कमी थी। अभी इधर से हम जितना हो सके उतना कोल, आयरन जो होगा वो लेके जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे 7 लेवल्स हो गए एक्सपीरियंस, 20 कोल, 22 कोल, 22 कोल से ज़्यादा कीमती जिंदगी में क्या होगा। 23 कोल, 24 कोल, 25 कोल। अगर आप जानते नहीं तो ये मैं, कल मेरी बर्थडे है, दैट्स फॉर श्योर। मैं अपना फेस रिवील तो नहीं कर सकता, जो कि मैं अभी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं बच्चा हूँ। किड्स डोंट डू फेस रिवील। बहुत कोल मिल गया है हमें यहाँ, वहाँ आयरन भी है बहुत दिखाई दे रहा है। कॉबल स्टोन नहीं, थोड़ा ग्रेवल यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रेवल कुछ काम का नहीं। ग्रेवल नहीं, ग्रेनाइट, हमेशा गलत कहता हूँ उसी में। ओ नो, ये क्या हो गया, मैं नीचे ही कूद गया सीधा। चलिए कोई बात नहीं, ये आयरन ले लेते हैं थोड़ा। कुछ नहीं, मैंने एक और पिकेक्स लाया था, अच्छा है। और डैमेज, इतना डैमेज। और ये एक टॉर्च डाल दी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल, सब जानते हैं कि मैं प्रोफेशनल हूँ। ओ, मुझे लगा था वो जंप में कर पाऊंगा। इस वाटर सोर्स को बंद करते हैं, ढेर सारा कोल है जो कि हम लेके जाएंगे।
अगर इस रमीन में डायमंड्स मिल गए तो मज़ा ही आ जाएगा कत्ल। डार्क क्यों हो रहा है भाया, हमारे पास बहुत कोल आ गया है, आयरन भी ठीक ठाक है अमाउंट। समझ नहीं आ रहा इतने ऊपर चढ़ूंगा कैसे। ब्लॉक्स है और ग्रेवल यूज करते हैं। स्टूपिड, अरे यार आई एम स्टूपिड। मेरे ब्लॉक्स खलास होने आए हैं, अब आए ही हैं तो ये लेके ही जाएंगे हम। इसको शिफ्ट करके रखो, फिल्म कौन सी है वो कमेंट कीजिएगा, मैं मेरी तो बता दूंगा अगले एपिसोड में बताऊंगा मैं। नेवर डिग स्ट्रेट डाउन तो सुना था, लेकिन आज हम नेवर डिग स्ट्रेट अप कर रहे हैं। बाहर आई थी सो रेन चल रही है, ये रवीन अभी भी अनडिस्कवर्ड है। तो पहली चीज जो हम करेंगे उस वक्त है वो जो सो जाएंगे, क्योंकि मॉब वरना बहुत दिमाग खाते है। फाइनली, और यहाँ मेरे ग्लास भी तैयार हो चुका है जो कि मैंने लगाया था अपने घर के लिए। अभी इसके मैं थोड़े ग्लास पेंट्स बना लेता हूँ। एग्जैक्ट 64 हो गए। ये कहाँ लगा दिया, पेंस तो लग गए। आप सोच रहे होंगे एंड के ब्लॉक्स किधर है, तो वो मैं एक्चुअली ऐसा बनाने वाला हूँ। एक दो तीन चार, नहीं नहीं क्या कर दिया ये मैंने, जैसा बनाना होता है वो ऐसा मेरे से बनता नहीं है। बर्च वुड बचा है आई थिंक सो, नो तो फिर ये मैं एंड में कंप्लीट करूँगा। अभी तो बस स्टार्टिंग है बॉस, खत्म होने दो, इतना मस्त घर दिखेगा ना ये।
ऐसे ही था, मैं गलत नहीं मना रहा था एक्चुअली। ओह शिट मैन, सही में क्रीपर, अभी फूटना था इसको भी यार। हट, मेरे को वीडियो खराब कर दिया इसने, घर उड़ा दिया पूरा। मेरे घर डिस्ट्रॉय हो गया सब। कुछ करना पड़ेगा अभी सब। ओके, मैं इसको फटाफट फिक्स कर देता हूँ। बहुत गंदा किया इसने। पूरा पेड़ काट लेते हैं। ये स्टोन एक्स अभी तक डिस्ट्रॉय कैसे नहीं हुआ? चुप रह सकते मेरा, तेरे में मार करूँ। वन शॉट किल बस, इतना ठीक होना चाहिए। इतने वुड में तो फिक्स ही हो जाएगा घर पूरा। घर कंप्लीट होने के बाद बहुत सुंदर दिखने वाला है। तूने मेरे घर को पढ़ा था ना? काश वो उसका ये ड्रॉप करता, वो एन्चेंटेड था उसके पास। इसने मेरे डोर, मेरे पास आई थिंक से एक एक्स्ट्रा डोर है भी। एक सेकेंड, चार ब्लॉक्स ठीक किया मैंने। नहीं है वरना ये फटाफट ख़त्म करता। ये घर आज मैं फिनिश कर लूँगा आई थिंक सो, नहीं शायद अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में आई थिंक सो नहीं हो पाएगा पूरा घर।
यहाँ रहेंगे अब हम। मैं अपनी इन्वेंटरी थोड़ी खाली कर लेता हूँ। अभी के लिए इधर उधर सते सब फेंक दो। अभी मुझे चाहिए स्टोन थोड़ा, इतना ठीक होना चाहिए। बहुत सारे स्टेप्स बना लेते हैं। सॉरी मैं गलत एक्चुअली इसको नॉट लगा हट एक बहुत अच्छा दिखने वाला घर बना रहा। मैंने घर पहले बनाया इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा। मैं अभी ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो।